में स्वागत है आपका। मैं विनय परमार आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ सुबह सुबह समाचारों के साथ। आज के समाचार: शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में गिरावट। देश के शेयर बाजार की शुरुआती कारोबार में शुक्रवार को गिरावट का रूप देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बदलेगा सर, अगले सप्ताह से मौसम में बदलाव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ व आसपास के जिलों में सुबह से ही बदली छाई हुई है। दिन में लखनऊ में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत किरदार के बिना पिंक अधूरा। कोलकाता श्रीलंक के संगीतकार एंड्रिया तारियांग ने फिल्म पिंक में मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म निर्माता सुजीत सरकार का कहना है कि एंड्रिया के बिना फिल्म पिंक अधूरा है। इराकी सेनाओं ने सिरकत में सरकारी परिसर को मुक्त कराया। इराकी सुरक्षा बलों ने गुरुवार को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट IS के चंगुल से सिरकत पर दोबारा कब्जा जमा लिया। बरेली के कारीगरों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। उत्तर प्रदेश में बरेली के कारीगरों को पहचान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। दिल्ली या मुंबई के कारीगरों की तरह भी वो भी अब डिजाइनर कपड़े तैयार करेंगे। मिस्र में नौका पलटने से 4 सिंधु की गिरफ्तारी का मिस्र प्रशासन ने बुधवार को उत्तरी तट पर शरणार्थी नौका पलटने के मामले में चालक दल के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। ज्योत सिंह सिद्धु द कपिल शर्मा शो से अलग नहीं होंगे। क्रिकेटर से बने नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू द कपिल शर्मा शो से अलग नहीं हो रहे हैं। सिद्धू इस शो में अपने शायराना अंदाज और हंसी मजाक से लोगों का मनोरंजन करते हैं। उनके शो सोने संबंधी बातों का एक प्रवक्ता ने खंडन किया है। दीपिका कंगना से फैशन सीखा है। अभिनेत्री कृति सैनन ने बताया कि उन्होंने कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण और सोना कपूर जैसी अभिनेत्रियों से फैशन की प्रेरणा ली है। समाचार समाप्त हुए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।